ये भाई देखो बहुत बड़ा पेड़ है भाई साहब, इधर आओ थोड़ा सा। अशु जी अगर मुझे अशु जी खातरी तो बैठते हैं बैठते हैं ये तो नहीं नहीं गली गली का माए। अच्छा और भाई साहब इस गाँव में चौक देखो कितना बड़ा है, जो पुराने घर बने हुए वहाँ गलियाँ छोटी छोटी है लेकिन चौक बहुत बड़ा है। आशु जी ए आशु जी का घर है ये, राम राम साई राम राम साई राम। और सुनाओ सा और बढ़िया सा जान गया सा बदौन बदौन कहाँ सा बदौन का दोगे दोगे सा अब नरा नरा दिनों आज कौन जाने सा सही राम राम साई बहन जी आज एक्शन बच गया मैं पुराने गर्म जा रहे थे जा रहे हैं हाँ तो बहन मन की बहन होने बढ़िया बेबी है ना तूने बने इधर ही सही। राम राम साहब बहन जी क्यों गड्ढे ले पलिया हो यहाँ दो मौजूम हो पुराने तक जा रहे हैं लद्दिया को नहीं हेड़ता हेड़ता था यहाँ हाँ हाय कैसे हो बढ़िया बढ़िया कुर्सी ले आओ। अरे राम जी रे राम जी रे राम जी आ जा तू कॉल कर मैं खोल रहा है करूं मैं तो ना आ जा मेरे जगह आना पेरे को ना नहीं आज ही तो फूट रहा करेगा मैंने क्या गंदा करनी है लोग भाई साहब समझता है क्या बुद्धि तो बस कहीं मजदूरी मटानी पड़ी भाई करो डंडा ठेर में बटे हां भागा थोड़ी ज्यादा रहती भागा थोड़ी सही निर्मा कुर्सी एक ही लाएगी पागल नहीं अब कर लो भाई साहब बात हां 600 900 का सही है सिंगल नहीं बाकी दो वर्ड है कि तो हिंदी बतानी थोड़ी बहुत आ जाइए ससुराल के घर है ये और आप देख सकते हैं अभी इन्होंने नया घर बनाया पहले उधर थे और ये सड़ाई ली हमारे ताऊ जी के और इन्होंने नया घर बनाया देखिए मार्बल वगैरह और शानदार बहुत बड़े के घर है भाई साहब। अभी गेट तो लगा दिए सब है ना लाइट चालू करो बरामदा की बढ़िया बहुत शानदार इधर बच्चों का स्टडी रूम है किताबें पढ़ी है और इधर इन्होंने बाथरूम बना रखे हैं और मार्बल देखी इनकी ओरिजिनल मकराना की मार्बल लगाई है भाई मकराना की हाँ संगमरमर और इधर बेड बेड लगा रखा है इन्होंने ये देखिए और इधर रसोई है राम सा रोटी बना रहे हो रोटी बनी इधर ही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया राम राम सा दो दिमाग ये देखो डबल सिस्टम होता है रास्ता में अगर रसोई बनती है ना तो गैस सिस्टम भी करना पड़ता है और चूल्हा भी करना पड़ता है नहीं तो जाटों को हिसाब बैठता नहीं है पेट नहीं भरेगा अगर चूल्हा नहीं होगा और ये हमारी जाटनी जाटनी ब्याहनिया मतलब समझने दिए होगी अरे बहुत जल्दी कर दिया यार शानदार है ऊपर भी बना भी होगी ये देखो स्टील फर्निशिंग हो रखी है अभी कलर वलर नहीं हुआ है पुट्टी वगैरह नए मकान बना जस्ट शिफ्ट भी हो गए ये दिखा दिया मैंने और फिर भी दिखा ये देखो बंगले बने हुए हैं गांव में आप देखते रह जाओगे ये सिनगारा गांव में है शानदार शानदार कहाँ आपके शहरों के महल कहाँ आते हैं इतनी जगह और गजब का शानदार हिसाब किताब है ये देखो डंपर खड़े हैं आजकल गाँव वाले बहुत आ गए हैं शहर वाले सिर्फ नाम के रह गए छोटे छोटे प्लॉटों में ज़िंदगी कट रही शहर वालों की अभी आगे दिखाते हैं हमारी ये तो हमारे ताऊ जी के ससुराल वाले थे और आगे दिखाते हैं हमारी भुआ जी भी इसी गांव में दी हुई है सिंगारा गांव में जो पापा और हमारी भुआ जी है उनका दिखाते हैं। हाय बाबू कैसे हो बेटी लाली बेट बेटी कौन की आजा घर चला अभी के गोबर और कम से कम जो कम लगा फिर पापा कटा बाय टाटा हाय बहुत बढ़िया
धीरे 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 धीरे। ये आ गए हमारे बुआ जी के नए मकान, पुराने उधर शहर में थे उन्होंने छोड़ दिया। और ये हमारा पूरा परिवार बैठा है, बुआ जी सब। राम राम सर, मौज आ गई। हाँ फोटो का ही वीडियो बन रहा था भाई, नहीं भाई मगर बुआजी का नया आसिया नाटो बन रहा है। हाँ मुर्गी फार्म, मुर्गी फार्म नहीं है, मानव जाति फार्म ही है भाई, मुर्गी फार्म मत बोलो। लोग दिए बुआजी भाई, राम राम। तो मोटो डंडो गाड़ी होगी भाभी। राम राम है भाभी। राम राम। हाँ राम राम सा सब। राम राम करो भाई बुआजी, वीडियो बना दी। सही बात। तो गाइस ये हमारे फूफा जी है, इनके घर है। ये अभी शिफ्ट वही है अपने खेत के पास में, ये टैंक बना रखा है। और ये पूरा परिवार है। हाय सब, बाय बाय कर दियो। टाटा टाटा। और चादरों का ही पूरा मकान बना लिया क्या? ये पक्के मकान इधर बनाए इन्होंने, अभी तो बाद में स्टार्ट कर दिया, इसलिए टिन शेड लगा लिया इन्होंने। ये कमरे बनाए देखो, अभी इनमें काम चल ही रहा है जस्ट। ये देखो पानी भरा हुआ पक रहा है आंगन। और ये देखो फिर से बड़े 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 कमरे, अभी दो कमरे बनाए इन्होंने। और इधर ये शिफ्ट हो गया, तो इन्होंने ये टिन सेट का बना लिया, बाद में हटा लेंगे जब ये मकान बन जाएगा, फिर दूसरा बन जाएगा। हाय टाटा कर दो फुल करें, कोई बात नहीं। ये एक टिन सेट का कमरा यहाँ बना रखा है और एक यहाँ बना रखा है। ये देखो सामान पड़ा पूरा घर का, वहाँ से घर खाली कर दिया इन्होंने, उधर भी घर था इनका। लाइम आ गया, खुली जगह में आ गया, हवादार। ये आ गया हवादार जगह में। हाँ बुआ जी। हाँ भाई। और भी सही में मन नहीं लगा आपनों? हवादार जगह में आ गया था। हाँ हवादार चाहिए था आपको, और कुछ हो नहीं। हवा पानी अच्छी चाहिए, भले ही झोपड़ी टूटी हुई हो अपनी। हाँ हवा पानी अच्छी होना, क्या था अपने सामने शानदार। टाटा हाँ बधून है जी।